हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त का सच। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि के अंतिम प्रहार के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी सुबह के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नींद त्याग करने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त का माना गया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ध्यान साधना करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय मानते थे। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस समय में उठने का अभ्यास करते हैं वे मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक जागरूकता की उच्च भावना का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करने का एक बड़ा अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं तथा मन भी उच्च स्पष्टता ध्यान और ध्यान की स्थिति में रहता है। सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसकी अवधि 1.5 घंटे तक की होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का वैज्ञानिक सत्य। शोधों के अनुसार सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में हमारा वातावरण काफ़ी हद तक प्रदूषण मुक्त होता है। इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी दिन के अपेक्षा अधिक होती है। सुबह की शुद्ध हवा हमारे तन और मन को ऊर्जा और स्फूर्ति से भर देती है। विद्यार्थी वर्ग के अध्ययन के लिए यह ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत बड़ी महिमा है। एक विद्यार्थी से लेकर एक सन्यासी तक के लिए इस मुहूर्त को अत्यंत लाभकारी बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय संभोग नहीं करना चाहिए, नींद में नहीं होना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का शोर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। धार्मिक शास्त्रों से लेकर ऋषि मुनियों और बड़े बुजुर्गों ने इस मुहूर्त को काफ़ी लाभकारी बताया है। इस समय प्राकृतिक वातावरण भी अनुकूल होता है। पक्षी चहकने लगते हैं, मुर्गे जागकर बांग मारने लगते हैं, कमल के फूल खिल उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करने से सफलता जरूर प्राप्त होती है। यह मुहूर्त देवताओं का समय माना गया है। जो मनुष्य इस समय उठता है, पूजा पाठ करता है और भगवान का स्मरण करता है उसकी बुद्धि तेज होती है और सेहत ठीक रहता है और भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।